मोदी से नहीं संघ से डर लगता है साहब कांग्रेस को। एके मिश्रा पॉलिटिकल कमेंटेटर, अभी भी आप नहीं बोल रहे हैं, आने वाले आप अभी भी नहीं बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन रहे उम्मीदवार राहुल गांधी पॉलिटिकल कमेंटेटर एके मिश्रा को मैं बीच में लेकर के आता हूं। एके मिश्रा जी, आपको इस बात में दम लगता है कि संघ से कांग्रेस को डर लगता है? देखिए राशिद, ग्राउंड लेवल पे जो फैक्ट है मैं आपको बताऊं, फैक्ट तो यही है कि अगर बीजेपी की बैकिंग में संघ नहीं होता और इतने अच्छे तरीके से संघ ने काम नहीं किया होता तो बीजेपी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। संघ ने जब एक्टिव होकर के बीजेपी की पॉलिटिकल विंग की कमान थामी और एक अलग से थिंक टैंक बनाया तब जाकर के बीजेपी सक्सेस होना शुरू हो गई। इसके पहले तक बीजेपी देखिए फेल्योर होती रही है, दूसरे पार्टियां आया इनका, इन लोगों का जो गठबंधन है पिछले इलेक्शन के पहले भी 10 साल लगातार कांग्रेस और उनके गठबंधन का हो रहा है। सवाल यह है कि राहुल गांधी जी ने जो ये चीज बोला है, मैं इसको अगर देखिए थोड़ा सा निरपेक्ष होकर बिना किसी राजनीतिक दल का पक्ष लिए हुए अगर इसकी विवेचना की जाए तो डेफिनेटली ये इनकी एक गलती है। मैं बोलता हूं कि ठीक है, आपको पता है ये हकीकत है कि भाई बीजेपी अभी लीड कर रही है, लेकिन ये सब चीजें आपको अपने वॉर रूम में अपने स्ट्रेटजिस्ट के साथ बात करनी चाहिए। आपके मन में मतलब आपकी यूएसपी, आपका स्ट्रांग पॉइंट क्या है, आपका कमजोर पॉइंट क्या है, ये कभी भी अपने राइवल को बताया नहीं जाता है। देखिए एक टर्म होता है पॉलिटिकल कैनिबलाइजेशन। मैं आज भी मानता हूं कि सबसे मजबूत अगर कोई अकेली पार्टी है जो बीजेपी को पॉलिटिकल वे में चैलेंज कर सकती है वो है कांग्रेस। उसके पीछे लॉजिक है, लॉजिक ये है कि बीजेपी ने कांग्रेस का आधा काम तो कर दिया है। देखिए कांग्रेस कमजोर कैसे हुई, छोटी छोटी पार्टियां रीजनल पार्टियां कांग्रेस से टूट के बन गई, बीजेपी ने उन सबको साफ कर दिया। आज की डेट में कांग्रेस के सामने चैलेंज है तो केवल और केवल बीजेपी को रोकना और पैन इंडिया लेवल पे जिसका स्ट्रक्चर गांव गांव डिस्ट्रिक्ट 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 तक हर जिले तक जिसका मतलब एक बूथ और कार्यालय बना है वो कांग्रेस है। कांग्रेस की सबसे बड़ी मजबूती पैन इंडिया तक उसका जो एक्सपेंशन जो उसका ढांचा अभी तक जिंदा है। लेकिन मुझे लगता है कि स्ट्रेटजिक और टैक्टिकल वे में कांग्रेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो इतने बौखलाए हुए हैं कि वो चीजों को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैनेज कैसे करें। बीजेपी के कंपैरिजन में देखा जाए, फिजिकल एट्रीब्यूट अगर देखा जाए, फिजिकल कंपोनेंट देखा जाए तो कांग्रेस कोई बहुत कमजोर नहीं है। कांग्रेस की केवल और केवल कमजोरी उनकी स्ट्रेटजिक जो रणनीति है वो चीज आ रही है जिसके कारण ये मात खा रहे हैं। विशाल राजपूत जी, इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते ना कि आपकी स्ट्रैटेजी में परिवर्तन भी होता रहता है, आपकी स्ट्रैटेजी इतनी मजबूत भी नहीं होती। विशाल जी क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूं, 2017 का विधानसभा चुनाव आपने लड़ा, सबसे पहले आपका समाजवादी पार्टी के साथ में जब गठबंधन नहीं हुआ था तो आप लोगों ने नारा यह दे दिया 27 साल यूपी बेहाल। जैसे ही समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन हुआ उस नारे को आप लोगों ने डंपिंग जोन में भेज दिया और अपना नारा बदल दिया। स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग कमजोर तो हैं, इस बात से इनकार तो नहीं कर सकते ना आप? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए इस देश को सबसे ज्यादा चलाने का जो अनुभव है वो कांग्रेस पार्टी का रहा है। सर अनुभव का कोई महत्व तो नहीं है, एक्सपीरियंस वर्सेस इनोवेशन की बात की। इनोवेशन आज ज्यादा मायने रखती है राजनीति में और जिंदगी के हर फील्ड में। सर अनुभव मारिए, 70 साल के अनुभवी नेता बैठे हैं, चुनाव में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ इनका काम है जब भी ये सत्ता में आए हैं जनता के बीच में जाकर नफरत फैलाना, धर्म की राजनीति करना, लोगों को झूठ बोलना और गुमराह करना। देखिए मैं आपको बता दूं, आज के पहले भी क्या था, भारतीय जो पॉलिटिक्स है वो डेफिनेटली दो गुटों में एनडीए और यूपीए में बटी है। तो ये सब चीजें मतलब एक गुट बनना दूसरा गुट बनना ये कोई नई चीज नहीं है। चुनौतियों और चुनौतियों का नेचर आकार प्रकार लगभग सेम रहेगा, उनको प्रेजेंट करना उनकी रणनीति अलग हो सकती है। पहले भी जो एनडीए में दल थे वो एनडीए में है, जो यूपीए में थे यूपीए में थे। यहाँ पे मुझे देखना ये चाहिए था, चाहिए है कि मैं बोलूंगा कि कांग्रेस को अपने इंटरनल और एक्सटर्नल रिवाइवल पे ज्यादा जो है ध्यान देना चाहिए स्ट्रेटजिक वे में, क्योंकि सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी और यूएसपी उनके पास है कि वो देश भर में अपने आप को फिर से पुनर्जीवित कर सकते हैं, उनके पास स्ट्रक्चर है। कांग्रेस को दूसरों के सहारे नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो पहले भी लीड करती थी।